पिताजी, जी आपने मुझे बुलाया? हाँ 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 पता, हाँ वो कल ना मैं शोगू की कुंडली लेके पंडित जी के पास जा रहा था, तो सोचा कि साथ साथ तेरी कुंडली भी लेके जाऊं, देखो तो सही कौन सा घात लगा मेरी बच्ची के पीछे। दो बारी आग से बच के वापस आई है तू, पता तो लगे कि कौन सा ग्रह नड़के बैठा है तेरी कुंडली में। जा पुत्र, तू ना अपनी कुंडली ले के आ। मेरी कोई कुंडली नहीं है। है? नहीं है? मतलब बचपन में तो बनाई होगी ना? बचपन तो था ही नहीं। है? मतलब कुंडली नहीं है। I told you she's weird. ऐ की है का? ओ भैया रजनी दी कुंडली, व्याह तो पहले बनाई थी ना मेरी। ओहो, तूने हाले तक संभाल के रखी हुई थी। और की भैया, मैं कह रही थी ना भैया। बस तूने अपना काम कर देता, हुन सतनाम वाहेगुरु। भैया की है, तुसी मेरी गल कदी नहीं मानदे। कुंडली शोगो दीदी, अब आप कैसी है? ये अच्छा बनने का नाटक शोगता के सामने मत करो, राइट? अगर इतनी परवाह होती ना शोगता की, तो शोगता और मैटी की शादी नहीं तोड़वाती और अपने उस लूजर भाई से नहीं करवाती। शोगो दीदी, आप सही कह रही हो, मैं मैथ्यू सर से माफी मांगूंगी, उनके पैर पकड़ूंगी, अपनी नाक रगड़ूंगी, जब तक माफ नहीं करेंगे मैं वापस नहीं आती। नहीं पुत्र, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वो मैथ्यू का बच्चा जाए भाड़ में सनू की, तू उसके सामने हाथ नहीं जोड़ेगी, उसके पैर नहीं पड़ेगी, बस। बेफालतू के बंदे के सामने हाथ जोड़ो पैर पड़ो। के खिलाफ कर दिया है तुमने। अगर इतनी फिकर है ना तुम्हें शोकता की, तो वो करो जो तुमने कहा है, जाके मैडी से माफी मांगो और मेरी लव लाइफ पहले जैसी करो, फिर कहना अपने आप को इस घर की बहू। स्टूपिड गर्ल। शोगो दीदी सही कह रही है, मैं मैथ्यू सर से बात करूंगी, मुझे मैथ्यू सर से माफी मांगनी होगी। क्या अकेले खड़े खड़े मेडिटेशन कर रही हो तुम? शान, मुझे मैथ्यू से... मैथ्यू की बात मत करो, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ उससे, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए मुझे नाउ। ओके, मैं डिनर तैयार करती हूँ। गुड। आज कुछ अलग है। अलग है? अब क्या अलग होने वाला है तेरे साथ भाई? हा, तो ये है स्पेशल प्लान। नाइस, कैंडल लाइट डिनर। रजनी, खाना तो हम नॉर्मली भी खा सकते थे ना, कोई देख लेगा तो? सोचो, ज्ञान ध्यान देखेंगे तो मेरी टांग खींच खींच के मुझे और लंबा कर देंगे। सब सो गए हैं। रजनी, गुड, शांति से खाना खाएंगे। वैसे रजनी, यू आर सिंपली सुपर। क्या बना है? पनीर। माय गॉड, थाई करी, नान एंड कुल्चा आल्सो। क्या बात है रजनी, सारी आपकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। या आई नो, चलो खाते हैं। इधर कहां से? कबाब में हड्डी। हड्डी हड्डी खिलाओ ना, मुझे भूख लगी है। मुहावरा है, देव तुम हड्डी हो। हस्बैंड वाइफ को इंटरप्ट करते शर्म आनी चाहिए। मुझे भूख लगी, मैं क्या करूं? तू जानते ना मेरा मेटाबॉलिज्म कितना हाई है, बार बार भूख लगती है मेरे को। तुम्हारा खाना नीचे रख दिया है, वहाँ जाकर खा लो, हमें अकेला छोड़ दो। मैं क्यों नीचे जाऊँ? मैं तुम्हारा को क्रिएटर हूँ, मुझे भी इज्जत मिलनी चाहिए, मैं यही खाऊंगा। नहीं,
यहाँ एक्चुअली बहुत गर्मी है, नीचे एसी वैसी चालू करके खाऊंगा, तुम लोग खाओ बाय। कल से मैथ्यू क्या काम करना है, कुत्ते की तरह काम कराएगा और सिर्फ जूते खिलाएगा। कम ऑन रजनी, आई एम हंग्री, लेट्स ईट। ओके, डैम इट, आज अगर रोबोट नहीं चला होता तो मेरे पास होता। अब उन चीटर्स के लिए नया लैब बनाना पड़ेगा। जिंदगी भर उन्हें गुलाम बनाकर रखूंगा मैं। लैब रेडी करने के लिए बोलना पड़ेगा। मनु, मेरा फोन कहाँ है? ओह गॉड, मैं लैब में भूल आया। ओके, मजेदार खाने के बाद मजेदार शैंपेन। Cheers. लगता है सब कुछ सिखाना पड़ेगा। Alcohol not good for robots. Super. शान, मुझे आग से बचाया। यू आर अ रियल हीरो। अरे मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत? आपका हक बनता है। ए हीरो, कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपके लिए जितना भी करो कम है। ओके okay. पेन तो है नहीं, चलो ग्रेवी ट्राई करते हैं। न्यू स्टाइल ऑफ गिविंग ऑटोग्राफ। तुम्हें पता है रजनी, मेरा दिन कैसा भी हो जो जनरली स्ट्रेसफुल ही होता है, तुम्हारे साथ दो मिनट बैठने के बाद ना मैं एकदम रिलैक्स फील करने लगता हूँ। यू मेक मी फील नाइस एंड वेरी हैप्पी। इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। मेरी सबसे कीमती चीज को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तू क्या करे, कुछ देख लेगा? सब सो रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आराम से। मुझे खाने दे, खाने दे, खाने दे, खाने दे। पागल हो गई थी। तुम अंदर जाओ और जब तक मैं ना बोला बाहर नहीं आना। ओके। शान, देव, यू लाइंग, डिसीविंग, स्कीमिंग, स्कैमिंग चीटर, कहाँ है मेरा रोबोट? मैंने अभी यहाँ पर एक एक्सटेंडेड आर्म देखा है। कहाँ है, बताओ? कहाँ है मेरा रोबोट? मैंने अभी यहाँ पर एक एक्सटेंडेड आर्म देखा है। कहाँ है, बताओ? इसने सिर्फ रजनी का हाथ देखा है, रजनी को नहीं देखा है। अबे पर हाथ तो रजनी का ना बॉय, कंप्यूटर नहीं देखा ना यार, है ना? बच गए। ये ऊपर क्या बातें कर रहे हो? नीचे आओ। अरे सर, कमिंग पेन डीलर, कमिंग। खाना? ओ शट अप, मुझे खाना, हरी अप। सर क्या हुआ? सर कौन सा रोबोट? वही जो अभी यहाँ पर था। सर यहाँ तो घास है सर। हाँ, वो भी आर्टिफिशियल है। मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंडेड आर्म देखा था, वहां से यहाँ तक। और राइट, और वो आर्म सिर्फ एक रोबोट के पास हो सकता है।
तो बताओ कहाँ है मेरा रोबोट? कैसी बातें कर रहे सर? सारा आम पाँव सब कुछ जल गया रोबोट का लैब में। मैंने आपको बताया सर, कोई रोबोट नहीं है यहाँ। रोबोट जल गया, ये सब बकवास बोल करना तुम मुझे और महफूज नहीं बना सकते। महफूज? बेवकूफ, मेरा हिंदी ठीक करना रोको। हाथ छोड़ मेरा सारा, जिसका मैं गला दबा दूंगा। हाथ छोड़ तू मेरा। यू पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। रोबो 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 रो, सुबह रोबो, शाम में रोबो, रात में रोबो, पागल हो गए हो क्या? सटिया गए हो? यहाँ शाम मेरे सिवा और मेरी तन्हाई के सिवा कोई नहीं है। तन्हाई को देख लिया होगा तुमने। और तन्हाई का तो मैकेनिकल आर्म होता नहीं है ना सर। सर मेरे हिसाब से आपको एक रोबो की नहीं, आपको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आपको कुछ काउंसलिंग मेडिटेशन टाइप कुछ करना चाहिए। अच्छा? तो तुम कह रहे हो कि मैं पागल हो गया हूँ? I've gone crazy, हाँ? मैं पागल हो गया हूँ? How dare you! तुम्हें कहा था ना इस घर से चले जाने को? यहाँ तुम्हें बोला था ना घर से निकल जाने को? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो अब तक यहाँ पे? It's none of your business, so stay out of it, you big blind fatso! वो इंग्लिश की दुकान, वो जो दुक्का मार के, वो जो दुक्का मार के तलवार की बात कही थी ना, वो धमकी नहीं थी। माँ के रूम में पड़ी है, अभी लेके आऊँ। हमारे ही घर में आके हमारे बहन के बारे में, पूरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलता है तू? हाँ, इतना चल बे ना। तुम्हें कोई आइडिया नहीं इंटेलिजेंट भाई ने क्या किया है मेरे साथ, क्या चीटिंग की है मेरे साथ? क्या किया है? क्या चीटिंग की है बोलो? इसने, किसने मुझसे कितने सर? क्या किया बोलो? बोला ना आपको कि हम लोग आगे कुत्तों की तरह आपके लिए काम करेंगे, तो क्यों बवाल मचा रहे हो सर? टॉप सीक्रेट खुल जाएगा, फिर गया रोबोट मेरे भी हाथ से आपके भी हाथ से। काम शान शान इसे बता दे जाने के लिए, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। इधर है, इधर पुलिस को बुला दूंगा। सर आप जाओ ना, मैं आता हूँ। अल्कोहल अल्कोहल जा, बोला ना। गया गया। हाँ, कैसा आदमी है ये शान? वो क्या क्या शान, वो क्या चीटिंग के बारे में क्या कह रहा था? अब जो जब शीशु नहीं वो शगु के साथ उसकी शादी टूट गई ना, तो वो शगु को चीटर बुला रहा था, आपको चीटर बुला रहा था, मैगी भाभी को, पापा मम्मी मुझे, सबको चीटर बोल रहा था। वी आर चीटर कांस, चीटर बांगलू भी बोल रहा था। आप टेंशन मत लो, आप जाके सो जाओ। कुकुर देव बांगलू, कुकुर मैथ्यू, आप सो जाओ, सो जाओ, काम डाउन। लेफ्ट 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 थोड़ा लेफ्ट, सीधा जाते मैथ्यू का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। मैंने क्या किया? रजनी, रजनी मेरा ही रोबोट मुझे से छुपा रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ ना कुछ करके उनका मुंह खुलवाना ही पड़ेगा। मैथ्यू सर, रजनी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, शगो दीदी के बारे में। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? नहीं रजनी, मैं ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं। क्या तुम मेरे साथ आओगी? वहां पर हम 2 मिनट क्या 2 घंटे बात कर सकते हैं। शोगो दीदी की खुशी के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ओके देन कम कम विद मी। शान की प्यारी पत्नी, मैं इसे ले जाऊंगा तो शान अपने रोबोट को लेकर दौड़ा दौड़ा चलाएगा। मैथ्यू सर, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे गेस्ट हाउस, वहां पर हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। ओके सर। रजनी का, रजनी मैथ्यू चला गया है, अभी देखना जल्दी कहाँ है। निकल जाओ रजनी, कम आउट। रजनी मेरा फोन कहाँ है? तेरा फोन है रजनी। प्लीज कम इन, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं भी आता हूँ। ओके सर।
रजाई के नीचे फोन कौन रखता है मैथ्यू? अरे अभी तो मिलके गया, कितनी बातें सुनानी होती है इसको यार, फिर से गालियां देगा। हाँ सुनाइए सर, मेरा मतलब हेलो सर, हाय सर, बोलिए। क्या मैं रजनी से बात कर सकता हूँ? रजनी रजनी तो अब अपडेट हो रही है सर, आपको क्यों बात करनी है उससे? नहीं करवा पाओगे तुम रजनी से बात? रजनी वहां होगी तो ही करवा पाओगे ना? हाँ? क्या मतलब क्या है सर आपका, मैं समझा नहीं सर, प्लीज एक्सप्लेन। मतलब ये कैट एंड माउस गेम बहुत हो चुका मिस्टर शांतनुकांत। तुम्हारी बीवी मिसेस रजनीकांत मेरे पास है। जमीन खिसक गई ना तुम्हारे पैरों के ऊपर से, नीचे से। मैं हमेशा कहता था तुम्हें कि मैं बहुत डेंजरस आदमी हूं, लेकिन तुम हमेशा मुझे कमीडियन समझते रहे। अगर अब तुम्हें अपनी बीवी सही सलामत चाहिए तो मुझे मेरा रोबोट दे दो। अब सर वो रोबोट तो जल गया सर, मैंने हाथ भी दिखाया आपको। झूठ, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, 2 घंटे में मुझे मेरा रोबोट लाके दो, वरना उसी रोबोट से अपनी बीवी का काम ले लेना। समझ रहे हो ना? तो गड़बड़ हो गई, बोलता रजनी को लेके जाओ और अपना रोबो देके जाओ, मतलब अपना रोबो देके जाओ और रजनी को लेके जाओ, कैसे करेंगे शान, क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे कहीं। हनुमान जी प्रार्थना सुन लीजिए, अगर हनुमान जी को बोल के रजनी मैथ्यू के सामने हाथ लंबा ना करे या मुंडी ना घुमाए तो हमारी मुंडी कट जाएगी। चल राम कृष्णा जी, जो भी फ्री है मेरी बात सुन लो। सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग। दैट्स ओके सर, क्या अब हम बात शुरू कर सकते हैं? हां श्योर श्योर श्योर। हां मैथ्यू सर, शोगो दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। या और ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे शोगता के बारे में और बात नहीं करनी। मैंने जो डिसीजन लिया है इट्स फाइन, अब अगर बात करूंगा तो सिर्फ शान से, वो भी आता ही होगा। ओके क्या शान भी यहाँ शोगो दीदी के बारे में बात करने आ रहे हैं? तुम्हें अपने फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, especially शान, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है, right? जी हाँ, मैं शान और उनके सारे एक्टिविटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखती हूँ। शान जब तक आए क्यों ना मैं रजनी से कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करूँ, हो सकता है कि शायद इसे रोबोट के बारे में कुछ पता हो। कॉमेडियन समझ रहे थे उसको, साला कमीना निकला, कमीना कॉमेडियन करेक्ट टाइटल है उसके लिए। एग्जैक्टली, अभी तो अच्छा हुआ कि शोकुता की शादी उससे नहीं हुई, और बहन तेरी बर्बाद हो जाती। अरे एक मिनट, वो तेरी चिकड़ी जैसी बहन ने मुझे थैंक यू नहीं बोला, लेकिन तूने तूने भी नहीं बोला, शर्म नहीं आती तुझे? थैंक यू, अबे कंधे पे बिठा के ना शहर में समोसे बर्गर सब खिलाता तुझे, अगर तेरा नाम नहीं होता शोगो के साथ रजिस्टर में। कितने बार बोलूं रजनी ने किया, मेरी क्या गलती है? ठीक है अब जो हो गया यार, अभी बस प्रार्थना करो यार कि बस रजनी का भांडा ना फूटे। भाई हाथ हाथ छोड़ के मत चला, वरना सीधा भगवान के पास पहुंचेंगे और लाइव उनके सामने प्रार्थना करने मिलेगा। हाथ पकड़ प्लीज प्लीज गो अहेड। हम लड़की वाले हैं, ससुराल का पानी तक नहीं पीते, और ये तो जूस है, वो भी खटिया क्वालिटी वाला। ओके ओके, अगर नहीं पीना तो मत पियो। ये बता, पति और पत्नी के बीच कोई राज नहीं होता, राइट? राइट, आपके और शोगो दीदी के बीच में भी कोई राज नहीं होना चाहिए। शान मुझसे कुछ नहीं छुपाते। ग्रेट, मतलब इसे पता होगा। तो शान का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, उसके बारे में पता है तुम्हें? अगर मुझे उस सीक्रेट के बारे में मालूम होता तो वो सीक्रेट नहीं होगा, राइट? ओके, मेरा मतलब है कि शान के पास एक रोबोट है, एक ह्यूमनॉइड, उसके बारे में पता है? पता है।